देखिए, रिजर्व बैंक ने सभी को चौंकाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया, यानी कि त्योहारी सीजन में लोन महंगा नहीं होगा। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। इसमें इजाफा होने पर बैंक सभी तरह के लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। आरबीआई ने पिछली दो समीक्षा बैठकों के दौरान जून और अगस्त में रेपो रेट में 4.5% की बढ़ोतरी की थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर आगे ब्याज दरों में कटौती के अनुमान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब है कि दरों में कटौती की संभावना नहीं है। Today's stance of calibrated tightening essentially means that in this rate cycle, a rate cut is off the table and that we are not bound to increase rates at every meeting because that is not required given our inflation outlook and forecasts at this point in time. As new data comes in, we would look into changing our policies accordingly, but the calibrated tightening is the appropriate stance at this point in time. ठीक है अनुराग, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। अनुराग, जैसा कि सबको लग रहा था कि इस पॉलिसी बैठक में शायद ब्याज दरें बढ़ सकती है, उससे उलट हुआ, लेकिन स्टैंस को जो चेंज नहीं किया गया है उस पर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, उम्मीद से उलट आज का जो निर्णय रहा है एमपीसी का, और ये 5-1 निर्णय रहा है, मतलब 6 मेंबर में से 5 जो मेंबर थे उन्होंने वो अनचेंज के फेवर में थे। और इसके अलावा जो बड़ी जो फाइंडिंग है कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की एक नई शब्दावली दी गई है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आगे दरें और बढ़ सकती है, जिस तरह से गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है। इसके अलावा ये भी, जो अगर दूसरे आंकड़ों पे भी मैं बात करूं, तो जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो कहीं ना कहीं 3.9 से 4.5% तक रखा गया है दूसरी छमाही का। और जिस तरह से गवर्नर ने ये भी कहा कि जो लक्ष्य था इन्फ्लेशन का उससे कम जो अगस्त के आंकड़े आए हैं, तो उसको देखते हुए ये इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है। और पूरे साल के जो जीडीपी का टारगेट है उसको भी मेंटेन रखा गया है, जो पिछली पॉलिसी में रखा गया था 7.4% का, और जो नेक्स्ट ईयर का जो जीडीपी का टारगेट है वो 7.6 का रखा गया है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ अपवर्ड रिस्क बताई गई है, जिसमें रुपी की जो वीकनिंग है वो चिंता है, इसके अलावा जो क्रूड की कीमतें हैं लगातार बढ़ रही वो चिंता है। अगर केवल पिछली पॉलिसी के मुकाबले ही हम बात करें तो रुपी करीब करीब 7% वीक हो गया है और जो क्रूड की कीमत है करीब 15% बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के अपवर्ड रिस्क रहेगी। तो इसी को देखते हुए इन्फ्लेशन और ग्रोथ में एक बैलेंस बनाने के जो आरबीआई का हमेशा से मकसद रहा है, तो वो आरबीआई ने बताया है। इसके अलावा जो एक और अभी जिस तरह से आईएनएफएस का जो मुद्दा चल रहा है, तो वहाँ पे भी आरबीआई ने कहा है कि सरकार की तरफ से जो कदम लिया गया है काफ़ी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन है, और रिजर्व बैंक भी एंगेज करेगा आईएनएफएस का जो नया बोर्ड है उसके साथ एंगेज करेगा। और रुपी की वीकनिंग के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो गवर्नर उर्जित पटेल का ये कहना था कि पर्टिकुलर जो करेंसी है उसको लेकर वो टिप्पणी, उनकी मूवमेंट के ऊपर वो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी रुपी के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको लेकर पूरी आरबीआई नज़र बनाए हुए है और वक्त वक्त पर आरबीआई कदम भी ले रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के रिजोल्यूशन हुआ था उसके बाद की जो उर्जित पटेल और जो डिप्टी गवर्नर ने हैं उन्होंने कही है। ठीक है, शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम अपडेट के लिए।